गुड इवनिंग जी, क्या हाल चाल आप लोगों के। ये लाइव स्ट्रीमिंग का पर्पस आज का है कि हम लोग कुछ और यूनिट्स को देखें और हम लोग ये पाएं कि जो अपना ये एग्जाम आने वाला है सीएसआईआर नेट 2019 जून का, हम लोग जो थोड़ी बहुत कमी कर रखी है उस कमी को और पूरा कर लें, कमी खत्म कर दें, ताकि हम लोग एग्जाम वाले दिन कुछ पछतावा ना करें। पछतावा तो यही हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स के नाम यहाँ आ जाएं जो टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है, और टाइम इतना भी नहीं है कि हम लोग उन टॉपिक्स को बहुत सॉलिड कर सकें, और फिर एग्जाम में वो टॉपिक एज सच रखा हुआ आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। या तो हम लोग पछतावा कर सकते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, या फिर वाट एवर इट इज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि बचे हुए दिनों के अंदर, ये लगभग 2 वीक के आसपास हमारे पास, इस 2 वीक में हम लोग क्या गुल खिला सकते हैं। भाई सुना तो मैंने ये भी है कि लोगों की जिंदगी एक झटके में पलट सकती है, तो फिर 14 डेज तो बहुत लंबा टाइम है। एनीवे, आई फ्लाई के साथ आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो सीएसआईआर नेट गेट डीबीटी आईसीएमआर के लिए। व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9013902981। बट फिलहाल तो हम लोग बात करेंगे सीएसआईआर नेट जून 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ऐसे टॉपिक्स जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है और सारे सिलेबस में से जिन्हें हम सेलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 7, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल की बात कर रहे हैं। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसको क्या कहना चाहते हो, क्या ये जूलॉजी है या फिर ये हमारे बारे में जानकारी है। भाई एनिमल तो हम लोग भी है ना, और कभी ना कभी तो हम लोग अपनी एनिमल वाली हरकतें दिखाई देते हैं, तो क्यों ना तुम इस बात को ऐसे लो कि ये ज्ञान तुम्हारा ही है। पहला जो पार्ट है वो है ब्लड एंड सर्कुलेशन का, किसका खून और किसका सर्कुलेशन तुम्हारा। नो डाउट इस टाइम तुम बैठ करके कोई मेडिकल ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो हीमियोपोइसिस की घटनाएं कहां घटती हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या होती है, बोन मैरो का रोल क्या है, ये थोड़ा याद रहना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी HSC सेल, जिन्हें हम लोग हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, ये सिग्नलिंग करके अपने रूप बदल सकते हैं। स्टेम सेल्स को अगर एरिथ्रोपोएटिन मिला तो वो हो सकता है RBC बन जाए। हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, हालांकि ये टॉपिक केवल यहीं पर बंधा हुआ ऐसा नहीं है, इम्यूनोलॉजी में भी हम लोग इसकी बात करते हैं। लेकिन इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेमेटोपोएसिस की जगह कहां है, कल अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कौन सी हड्डी में हेमेटोपोएसिस होता है, तो ये मत कहना कि केवल हमारी टांगों वाली हड्डियां होती है जहां वो होता है, सभी बोन्स के अंदर होता है। तो एक ये पॉइंट है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के हिसाब से। फिर मुझे यहाँ प्लाज्मा फंक्शन दे रखा है, प्लाज्मा फंक्शन सारा आप नहीं कर सकते, तो मेरी सलाह यह है कि आप सीरम वर्सेस प्लाज्मा, कम से कम ये दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो ना कि सीरम और प्लाज्मा में फर्क क्या है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी कहाँ मिलेंगे, सीरम में या प्लाज्मा में, WBC कैसे मिल सकती है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्ट नहीं भी पूछते हैं तब भी काम आती है। ब्लड वॉल्यूम चल जाएगी एक बार को ना भी करोगे तो, लेकिन ब्लड ग्रुप्स करना नहीं भूल सकते आप। जैसे कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि भाई ए ब्लड ग्रुप के सरफेस पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट, RBC के सरफेस पर, वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। याद है ना वो गैलेक्टोज वाली कहानी और अनअसिटाइल गैलेक्टोजामिन की स्टोरी, तो RBC की लिपिड के ऊपर लगे होते हैं, तो लिपिड कौन से, प्रोटीन पर लगे होते हैं, तो फिर ये टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट है कौन सा, ए ब्लड ग्रुप में, बी में, ओ में, RH में। और ये जो ग्लाइकोसाइलेशन वाली प्रोसेस है, ये किस तरह का ग्लाइकोसाइलेशन है और ये हमारे लिए रोल क्या करती है। अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये लाइफ साइंस का सिलेबस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां ब्लड ग्रुप आ गया तब कहीं और नहीं आएगा। यही ब्लड ग्रुप की स्टोरी जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल है। हीमोग्लोबिन के लिए आपको याद करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटीज क्या है, और इसके अलावा मायोग्लोबिन का भी रोल पता होना चाहिए। भाई इम्यूनिटी तो आप पहले ही एक पूरी की पूरी यूनिट के अंदर रगड़ चुके हो, तो उसके बाद ये करना जरूरी नहीं है। तो पहले पार्ट में से ये 3-4 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूं तो अभी टाइम नहीं है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर का, मायोजेनिक हार्ट, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ये सब अभी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रोबेबल है ECG, उसका प्रिंसिपल सिग्निफिकेंस और कार्डियक साइकिल, ये वो टॉपिक है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहोगे। हार्ट एज पंप को मत करो पंप यार, ब्लड प्रेशर को ज्यादा मत देखो,
न्यूरल और केमिकल रेगुलेशन भी चल जाएगा थोड़ी बहुत देर तक, लेकिन ये जो ईसीजी वाली स्टोरी है ये छोड़ना दिक्कत कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो कंपैरिजन ना के बराबर है। कंपैरिजन के नाम पे इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें वो ब्लड वाला चक्कर है कि वो अपनी बॉडी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। सिमिलरली एनाटॉमिकल जो कंसिडरेशन है वो भी कोई खास नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आप ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट जरूर देख लो, क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन की भी स्टोरी आ जाएगी, तो जो तुमने ए पार्ट में पढ़ा वो यहाँ कोरिलेट करेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग्स के अंदर CO2 कैसे बाहर जाती है और ऑक्सीजन कैसे अंदर आती है, फिर वहां से टिश्यू तक कैसे जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एलिमिनेशन चल जाएगा ना भी करेंगे तो। न्यूरल केमिकल रेगुलेशन और रेस्पिरेशन भी यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नर्वस सिस्टम डी पॉइंट, न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं अभी फिलहाल मत करो, जितने तुम्हें पता है दिमाग में रखो यार, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेडी होना है तो एक तो एक्शन पोटेंशियल को पकड़ के रख डालो ढंग से चित्र के। जैसे कि एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहला चैनल कौन सा खुलता है और क्यों खुलता है, वहां पे आपको जो मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा ऑपरेटेड चैनल्स है वो भी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा ऑपरेटेड चैनल्स की बात भी करनी होगी, और आपको रोड्स ऑफ रणवीर्स की नोट्स ऑफ रणवीर्स की भी कहानी समझनी पड़ेगी कि कैसे जंप करता है एक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा ग्रॉस न्यूरो एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन कॉर्ड काम कर जाता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस एक लाइन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है ये है जिस पर ज्यादा वो लोग एम्फसिस करते हैं। कुछ एक न्यूरॉन के ऊपर सवाल आते हैं, लेकिन वो सवाल इतने डाइवर्स टाइप के हैं कि अगर आप न्यूरॉन्स पर फोकस भी करना चाहोगे तो आप क्या क्या पढ़ोगे। जबकि एक्शन पोटेंशियल में ये फायदा है कि एक कंसाइज इंफॉर्मेशन है 3-4 पन्नों की, और उस इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ मिल जाने वाला है। एक ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी होती है इकोलॉजी में, थ्योरी ये कहते हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब जीव उसी खाने पर जोर लगाना चाहते हैं जिसमें कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा फूड मिल जाए। तो मैं कहता हूं कि तैयारी करते हुए भी आपको इस ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी पर काम करना चाहिए और आपको इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। मतलब आप उस टॉपिक पर मेहनत करो जिसमें से नंबर निकालने के चांस ज्यादा हो, जैसे कि यहां पर है एक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा जो मुझे एक यहाँ टर्म नहीं दिखाई दे रही है वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कौन से अमीनो एसिड्स हैं, कौन से नॉन अमीनो एसिड है, ब्रेन से क्या मिलता है, टिश्यू से क्या मिलता है, ये बात हमें थोड़ी याद रखनी चाहिए। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी CFTR इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को कहां डालोगे, क्या ये क्वेश्चन इस यूनिट से संबंधित था? हो सकता है आप मुझे बहुत लोग कहो कि ये तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया ताकि समझा सकूं सभी चीजें इंटरमिंगल्ड हैं। भाई अगर कल कोई आपको गाय भैंस के बारे में पढ़ाना शुरू कर दे कि गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वो दूध देती है और घास खाती है, तो क्या आप तुम सिर्फ इसी बात को बोलोगे? कल अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री वाला ये बताने लगे कि जो काव होती है उसमें ह्यूमन नाम का एक पार्ट होता है जहां पर माइक्रोब फर्मेंटेशन करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमने तो ये पढ़ रखा है गौ हमारी माता है और वो दूध देती है, ये इंफॉर्मेशन कैसे काम आएगी? पॉइंट ये है कि जब हम लोग लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं तो अगर एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा जा रहा है और वही मॉलिक्यूल का रोल किसी बॉडी के पार्ट को समझाने के लिए है तो वो वहां भी आएगा। अब जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी में ये क्लोरीन चैनल है, तो जब आप मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तब भी ये वहां पढ़ते हो, और जब आप लंग्स की बात करोगे तब भी डिफेक्ट्स में इसको पढ़ोगे कि अगर ये चैनल डिफेक्टेड हो जाए तो कैसे म्यूकस क्रिएट होनी शुरू आती है, एक दिक्कत वाली बीमारी है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए अपने दिमाग को बाउंड मत करो। सिमिलरली इंफॉर्मेशन को भी ऐसे लेके मत चलो कि अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी तब भी आप ये सॉल्व करोगे कि जूलॉजी का है। आप अपने दिमाग को ओपन करो, यूनिट्स बेशक मैं आपको बता रहा हूं लेकिन कभी दिमाग को यूनिट्स में मत बांधो। ग्लाइकोलाइसिस हर जगह आएगी, चाहे आप उसे बॉटनी बोलते हो, चाहे आप उसे जूलॉजी बोलते हो, चाहे आप उसे सेल बायोलॉजी बोलते हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री बोलते हो। इस क्वेश्चन का आंसर था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है जो ये ट्रांसपोर्ट करता है चैनल, ये क्लोराइड के आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। आज के सेशन में ये भी खास बात है कि हम लोग कुछ कुछ थोड़े क्वेश्चन भी देखेंगे और समझेंगे कि इन क्वेश्चन का रिलेशन क्या था, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि भाई क्वेश्चन को देख करके आप क्या देख के गलत करके आते हो और क्या देख के सही करके आते हो। डायग्राम आपके सामने है, क्या इस डायग्राम में दी हुई इंफॉर्मेशन पर आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो कि क्या CFTR एक ग्लाइकोप्रोटीन है या नहीं? तो अगर आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट लगे देख रहे हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ,
अगेन पॉइंट वही है कि इंफॉर्मेशन हर एंगल से हमें पकड़ में आनी चाहिए। अब इसके बाद की बात करते हैं, इसी यूनिट का एक पार्ट और भी था, सेंस ऑर्गन्स में विजन की बात करते हैं। देखते कैसे हो, आंखों से देखते हैं, सबको पता है, लेकिन पॉइंट ये भी तो है कि आंखों ने कैसे देखा। तो वहां एक जीपीसीआर की कहानी है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। रेटिना का स्ट्रक्चर लेंसेज की स्टोरी काम आती है कि कौन से लेंस किस तरह के आई डिफेक्ट को दूर करते हैं कभी कभी, लेकिन जो सिग्नलिंग है ये लाइट के प्रभाव में रेटिनल जो मॉलिक्यूल है वो कैसे अपनी कंफर्मेशन चेंज करता है सिस टू ट्रांस या फिर वाइस वर्सा, और कैसे साइक्लिक जीएमपी हमारे देखने की एबिलिटी को एनहांस करते हैं या कह दीजिए कि सिग्नलिंग करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। हियरिंग और टैक्टाइल रिस्पॉन्स इतने ना भी करोगे तो भी चल जाएगा। अब आती है बात एक्सक्रीटरी सिस्टम की। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी अगेन मैं सलाह नहीं देता, बट किडनी, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री में पहुंच गए आप, यूरिया की फॉर्मेशन वाली कहानी। खासतौर से कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह का नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकालते हैं, यूरिया या फिर अमोनिया, उसके बेस पर वेस्ट वेस्ट एलिमिनेशन में आप जब दोबारा से यूरिन में से चीजें वापस खींची जा रही हैं कि ग्लूकोज को वापस ले लो, सोडियम वापस ले लो या पोटेशियम वापस ले लो, जो रीअब्सॉर्प्शन है उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को जरूर करना है। किडनी वाली कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन सिस्टम और उसको स्टडी करना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जो वहां खर्च हो रहा है, और इसके अलावा जो डिफ्यूजन है आप उसको भी देखोगे। इसके अलावा जो ये टर्म्स हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या फिर एसिड बेस बैलेंस, इसके लिए आप केवल ये याद रखोगे कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि ब्लड एसिडिक हो जाए तो किडनी का रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल कंडीशन के रिस्पॉन्स में किडनी क्या चेंज करती है, कौन सा हार्मोन बनाती है और कौन सी ड्रग्स को एनहांस करती है। थर्मो रेगुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं थर्मो रेगुलेशन पे, लेकिन आप कॉमन सेंस पे भी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए यहाँ टाइम ना ही खर्च करो तो अच्छा है। स्ट्रेस अडैप्टेशन में सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को फोकस करो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन से है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में एंजाइम्स के नाम याद रखोगे कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या कहानी है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में आप ग्लूकोज का जो इंटेस्टाइन है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन, जो ग्लूट वाले जो प्रोटीन है आपके एसजीएलटी, और इसके अलावा आपको फ्रक्टोज या फिर अमीनो एसिड्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। खासतौर से सोडियम ग्लूकोज का जो इंपोर्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैलेंस ना भी करोगे तो ठीक है, लेकिन बीएमआर पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जैसे इस टाइम अगर तुम्हारा एग्जाम को लेकर के तुम डिप्रेस हो रहे हो, तुम्हारा दिल धक धक कर रहा है, बैठा जा रहा है, तो तुम्हारा बीएमआर लो है। लेकिन हाँ, अगर भाई ऐसा है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, कूद रहे हो, छत में सिर मार रहे हो अपना कूद कूद करके, तो तुम्हारा बीएमआर हाई है। हम लोग जब एक्साइट होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सुपर्ब होता है, और जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म कहता है छुट्टी बजा रहा हूं, वापस आके बात करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी एंड प्रोडक्शन, इनमें से कुछ हार्मोन्स का जिक्र तो पहले भी आ चुका होगा, लेकिन यहां इस केस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और इसके आसपास की जो स्टोरी है, खासतौर से ओव्यूलेशन के दौरान और जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान हार्मोन्स का रोल, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सिग्नलिंग है हार्मोन्स की वो कितने तरह की सिग्नलिंग होती है, उनके एग्जाम्पल्स ये आपको पता होना चाहिए। तो हार्मोन्स एंड डिजीज को मैं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन आपको हार्मोन्स का टाइप पता होना चाहिए। जैसे तुम्हें याद होगा ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ये कई तरह सिग्नल प्रोसेस है, इनके एग्जाम्पल्स, इनकी कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक प्रिंसिपल। जहां आपने एनिमल्स के बारे में बात करते हुए हो सकता है आपने अपनी बात समझी हो, तो अगर तुम रियली में नॉलेज गेन करना चाहते हो तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में तब तुम्हें अपने बारे में नॉलेज मिलेगी। आप चाहो तो तुम क्वेश्चनों की इन्फॉर्मेशन में कहो कि जो नेट का क्वेश्चन था क्वेश्चन में कराया, बढ़िया, क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं रो रहा हूं, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि चलो अपने जीवन के बारे में ही कुछ और ज्ञान मिला और ये ज्ञान बड़ा काम का है। अब जैसे कि यहाँ दो लोग हैं, एक बड़ा अच्छा हंसी खुशी वाला है और एक सो रहा है आलसी एक नंबर का, बट पॉइंट क्या है दोनों का, क्योंकि नेट में क्वेश्चन है इनकी कंडीशन को लेकर के, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज लोवेस्ट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट कब बढ़ता है कब घटता है उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि हमारा जो रेट है वो कहां जा रहा है, 100 को हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल रेट है, तो जब कभी किसी को चोट लगती है या किसी दिक्कत में है या किसी स्ट्रेस में है तो लेवल बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर वो सो रहा है तो कम हो जाएगा, और अगर वो बहुत स्टार्वेशन वाली कंडीशन में कई टाइम से भूख कर खाना ही नहीं मिला तो ये काफी लो लेवल पर आ जाएगा।
तो जहां तक थी लोवेस्ट की बात, तो ये प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन की कहानी है कि प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में सबसे कम मेटाबॉलिक रेट होगा। या सिंपल सी बात, अगर गाड़ी में ईंधन नहीं है तो क्या गाड़ी का इंजन ब्र ब्र करके चलता रहेगा? भाई चूल्हे की लकड़ी अगर होगी तभी तो आग जलेगी। तो जिस इंसान का चूल्हा खाली पड़ा बेचारेगा, उसके मेटाबॉलिक रेट के बारे में तुम कैसे कह सकते हो कि वो हाई होगा? तो अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम सिंपल सोचो यार कि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म हाई या लो, हम उसकी बात कर रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म के लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, जो खाते पीते इंसान के अंदर ही होंगे। तो जब आप कॉमन सेंस में और अपने ऊपर रख करके बात करते हो तब आंसर आराम से मिल जाते हैं, बेशक आपको टॉपिक याद ना हो तब भी। इसलिए अगेन मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ साइंस कोई रटने की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारी ही जिंदगी के बारे में है। जिस दिन तुम ये मानना शुरू कर दोगे कि किताबों में लिखी हुई ये सारी इंफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एमोलॉजी, जियोलॉजी, व्हाटएवर, ये तुम्हारे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तब तुम उसे अपना सब्जेक्ट मानोगे और तब तुम एंजॉय करोगे पढ़ाई को। खैर एनीवे, जब ये हम लोग बीएमआर की बात करते हैं तो जहां एक तरफ बीएमआर हमारी अलग अलग कंडीशन को डिफाइन करता है, तो हमने खाना क्या खाया उस पर भी बीएमआर का प्रभाव पड़ता है। जो इजिली जल्दी से डाइजेस्ट होने वाली चीजें हैं उस केस में बीएमआर बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। जो उससे कम वाले हैं थोड़ा स्लो, और जो बहुत स्लोली मेटाबोलाइज होते हैं जैसे लिपिड्स, उनमें बीएमआर का रेट लो ही होगा। फार्मूले भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले कौन याद करेगा। और दूसरी बात ये भी याद रखो कि भाई मेटाबॉलिक रेट एक तो मेल्स का ज्यादा होता है फीमेल के मुकाबले, और छोटे बच्चे देखें, अपने आप से कंपेयर करना किसी छोटे बच्चे को, हालांकि आजकल तो भाई पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, बच्चे मोबाइल फोन लेकर के बैठे रहते हैं, बट जिन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ ये बच्चे वो हैं जो उछलते कूदते रहते हैं, माँ बाप थक जाएंगे, कहेंगे सो जा बेटा, लेकिन वो बेटा नहीं सोएगा, बेटा तो उछल कूद में बिजी है, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी है। अब अगर इस डाटा को चेक करो तो ये जो लाइन ऊपर से इतनी जबरदस्त है, ये एज के हिसाब से लो एज में, जब कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। अब देखो तुम्हारा तो रेट यहाँ 20 के आसपास आ गया ना, तुम तो पहले से डाउन हो चुके हो, और आप में से बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिक रेट तो इस लेवल का है। ध्यान कर लेना तुम्हारी एज 20-22 की या फिर 70-80 के आसपास की, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देख करके। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, तुम सुबह उठ करके फ्रेश फील करते हो, भागने का मन करता है, काम करने का मन करता है या नहीं? नहीं करता है तो तुम्हारा रेट कम है, कंपेयर कर लेना अपनी एक्चुअल मेटाबॉलिक एज को। इन्फॉर्मेशन लाइफ के बारे में बट एग्जाम में भी काम आएगी। अब आती है बात यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 तो बहुत ताकतवर यूनिट है, जितनी ताकतवर है उतनी थोड़ी उलझी हुई भी है, क्योंकि करके क्या जाना और एग्जाम में क्या आएगा वो सेम चीज नहीं है। जैसे कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी में सबसे पहले शुरुआत होती है मेंडेलियन प्रिंसिपल को लेकर के। लॉ ऑफ डोमिनेंस में पता है, एकदम से बोल दो हाँ हमें पता है कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेशन क्या है, सेग्रीगेशन क्या है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अब कहता हूं आपने पढ़ तो लिया भाई साहब, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया इसके ऊपर, पर फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाए। इसलिए मैं कह रहा था कि जहां ये बहुत ताकतवर यूनिट है तो वहां इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेट भी है, समझेंगे इस बात को कि कॉम्प्लिकेट क्यों है। तो यहां मैं सही मायने में मार्क ही नहीं कर सकता कि क्या इंपॉर्टेंट है मेंडल वाली कहानी से, क्योंकि ये सारी कहानी ए बी सी ये सब की सब ऐसी कहानी है जिनमें से 3-4 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे, बट किस बेस पर मिलेंगे ये सब कुछ हमारी नॉलेज कहेगी। जैसे कि अलील के ऊपर सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई अलील क्या होती है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मल्टीपल अलील की कैलकुलेशन या फिर कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट याद होगा ना, अगर आपके पास दो म्यूटेंट हैं, आपने उन दो म्यूटेंट को क्रॉस कराया और दोनों क्रॉस करके वाइल्ड मिले तो आप कहोगे दोनों म्यूटेशन जो है वो नॉन अलीलिक है या अलीलिक है। ये तो कहानी थी, याद रखना इस वाली कहानी में M1 into M2, मतलब एक म्यूटेशन है एक ऑर्गेनिज्म में, दूसरा म्यूटेशन है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, सेम करेक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। हमने इन दोनों क्रॉस कराया और क्रॉस करा के वाइल्ड मिला, ये प्रिंसिपल है याद रखना, रूल नंबर 1, M1 into M2 = wild। तो आप कहोगे कि दोनों म्यूटेशन M1 और M2 ये दोनों म्यूटेशन नॉन एलीलिक हैं दो डिफरेंट जीन्स के। और अगर आपके पास आता है कि M1 into M2 से मुझे म्यूटेंट ही मिलेगा, तब आप कहोगे कि ये एलीलिक है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों क्या कैसे, बट कम्प्लीमेंटेशन टेस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो आप प्लस माइनस वाले सवाल देखते हो ना एग्जाम के अंदर आते हैं सेशन सी के अंदर, जिसे आप कई बार घूम भी जाते हो कि इसका आंसर क्या था, उसमें भी यहीं से सीखी हुई इंफॉर्मेशन काम आएगी। एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कोडोमिनेंस का डाटा,
या फिर इनकम्प्लीट का डोमिनेंस का डाटा, जीन इंट्रक्शन तो पक्का आएगा। जीन इंट्रक्शन में प्लीज रट करके मत जाना कि प्लियोट्रॉपी की कहानी ये होती है या फिर एपोस्टेसिस की कहानी ये होती है। आपको डाटा देख करके ये आइडिया लगना चाहिए कि उन दो जीन्स के बीच में क्या रिलेशन है, और ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करो। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग आज की कहानी है, इसके लिए प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि डीएनए के कौन से मॉडिफिकेशन जिम्मेदार हैं और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। भाई जैसे आपने पढ़ा है कि कैपिटल टी इज इक्वल टू टॉल। मेंडल्स आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हमने मैनिपुलेट किया बाद में कि जब मेंडल्स आप कहते हैं टॉल तो हम कहते हैं भाई इस प्लांट का जो जीनोटाइप है अगर ये प्योर है तो ये कैपिटल टी है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहती है कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी का मतलब टॉल ही होगा। जीन होना काफी नहीं है, क्या वो जीन यूक्रोमेटिन की फॉर्म में है भी? यूक्रोमेटिन वाली फॉर्म है जिसमें डीएनए पढ़ा जाएगा, तो हेट्रोक्रोमेटिन टू यूक्रोमेटिन फॉर्मेशन, और वो भी डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटल टाइप, ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में आती है। इसमें डीएनए का मिथाइलेशन, हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन और उनसे पड़ने वाले प्रभाव, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं और ये इंफॉर्मेशन तो आती है। ऋतिक रोशन याद है? ऋतिक रोशन में एक मेडिकल एबनॉर्मलिटी है, अगर तुम उसके हाथ को देखोगे तुम पाओगे उसमें हाथ में एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं। इसे पॉलीडक्टाइल बोलते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर होना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये एरर है ये एरर डोमिनेंट नेचर का है। अगर डोमिनेंट कोई कैरेक्टर है तो एज पर द मेंडल रूल 75% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर मुझे वो डोमिनेंस दिखना चाहिए। लेकिन क्या आपको, अगर आपको पता है कि आपके आसपास कहीं पर 100 लोग हैं जो भी आपके घर के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इन 100 लोगों में से वाकई में 75 लोगों के अंदर पॉलीडक्टाइली है? तुमने कितने लोग देखे हैं जिनकी फिंगर्स या टॉस एक्स्ट्रा होता है? आंसर होगा कम, काफी कम। तो जब हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन में अलील्स तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हर एक के अंदर, तब हम पेनिट्रेंस लेके आते हैं। फिर हम दूसरा ये भी बोलते हैं कि जिन जिन के पास वो अलील एक्सप्रेस कर भी रही है तो क्या हर एक के हाथ में 6 ही उंगलियां हैं? तो आप पाओगे कि आंसर है किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, यानी कि जो उसके एक्सप्रेशन का पैटर्न है वो भी ढंग से नहीं है। तो इन्हीं दो बातों को यहां डिफाइन किया जाता है, इसलिए पता भी होना चाहिए। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के ऊपर एक सवाल मिलता है आपको, जहां पे आपको दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस पता लगाने पड़ते हैं और इंटरफ्रेंस तक की बात पहुंच सकती है। सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, डेफिनेशन याद कर लो इनकी। सेक्स लिंकेज काम आती है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए नहीं। इसमें से जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं एक तो आएगा जीन इंट्रैक्शन के ऊपर। जीन इंट्रैक्शन में आपको वो डाई हाइब्रिड क्रॉस दे देंगे, नंबर दिखा देंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कि इसमें इंट्रैक्शन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है लिंकेज के ऊपर जिसमें डाटा दिया गया हो डबल क्रॉस ओवर का, और फिर आपको ये बताना हो कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, या फिर वो उनका जीन का मैप देके आपके पूछ सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में कितने परसेंट ऐसे एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के लोग होंगे। जीन मैपिंग मेथड्स में लिंकेज मैप्स वही है जो आप यहां पढ़ रहे हो, टाइटर्ड एनालिसिस के चक्कर में ना पढ़ो अभी। मैपिंग विद मॉलिक्यूलर मार्कर इंपॉर्टेंट है और इस पर पक्का 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 क्वेश्चन मिलता है। मैपिंग बाय यूजिंग सोमेटिक सेल हाइब्रिड, ये भी बहुत फेवरेट है और इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मिलता है। इंडेड शायद ही कोई एग्जाम होंगे जिनमें ये दो पॉइंट्स आपको देखने को ना मिले। इसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टिक जीन्स का बेसिक पता होना चाहिए। तो मैटरनल इनहेरिटेंस में स्नेल कॉइलिंग वाले एग्जांपल्स और एक चूहे वाला एग्जांपल भी है आईजीएफ का, आईजीएफ पॉजिटिव नेगेटिव, चूहा ड्वार्फ होगा या बड़ा होगा, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। माइक्रोबियल जेनेटिक्स अगेन एक ऐसा क्वेश्चन और है जो पक्का देखने को मिलेगा, और इसमें से कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेक्स डक्शन ना भी करोगे तो ठीक है, लेकिन तीनों का फर्क पता होना चाहिए। लेकिन आपको कंजुगेशन का डाटा एनालाइज करना आना चाहिए, और ये डाटा आप एनालाइज करते हो मैपिंग जीन्स बाय इंटरप्टिंग मेटिंग। अब ये मत बोलो मन में कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, काश ये क्वेश्चन हम लोग सीख लें। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो फिर मुझे तुम्हें क्वेश्चन सिखाना पड़ जाएगा एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। खैर, इस आधे पार्ट के अंदर मेंडल की खूबियां पता होनी चाहिए आपको, ड्रोसोफिला के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए, और बैक्टीरिया के कंजुगेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स जिसमें एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड दूसरे में जाता है, जैसे हम लोग इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट के रूप में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आज का सेशन केवल टॉपिक का नहीं है, आज के सेशन में कुछ खास बातें और हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका और क्या अप्रोच है।
अब ये मेंडल जेनेटिक्स है, लेकिन मेंडल के जेनेटिक्स में जो एग्जैक्ट सीधे इंफॉर्मेशन होते हैं वो तो हमारे काम ही आने वाली, हमें ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट होती है, हम इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, और तब जाके हम एग्जाम सोल्व कर पाते हैं। तो चलो बना शुरू करते हैं इसी बात।